नमस्कार दोस्तों, बजट 2019 से रिलेटेड अपनी डिस्कशन की सीरीज में मैं ये अंतिम पोर्शन आपके साथ में अब डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर है। तो ये सेक्शन 54 चर्चा क्या करता है सर, एक बात जरा ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 कहता है कि आपके पास में एक मकान संपत्ति है, आपने उसे बेचा और आपको कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपने वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक दूसरी संपत्ति में निवेश कर दिया। तो आपको ऐसी परिस्थिति में यदि आपने निवेश कर दिया है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी देने की आवश्यकता नहीं। तो मान लीजिए सर, आपने कोई एक संपत्ति 2010 में 10 लाख रुपए में खरीदी और 2019-20 में आपने उसे 40 लाख रुपए में बेचा। मैं आपकी इंडेक्स कॉस्ट 10 लाख से अब तक की 15 लाख कर लेता हूं, तो आपको 25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब अगर आप ये 25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक नई संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मकान संपत्ति है यानी रेजिडेंशियल हाउस है, तो आपको एक रुपए भी कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी का नहीं देना। तो सर, लॉ में ये अमेंडमेंट पहले से आया था कि आप केवल एक संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, एक से ज्यादा में यदि आपने निवेश किया तो एग्जम्पशन केवल एक संपत्ति के लिए मिलेगी। तो बजट 2019 में सरकार ने यह कह दिया कि आप एक की जगह दो मकान संपत्ति पर भी ऐसा निवेश का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए कैपिटल गेन कमाया, एक मकान आप अपने एक बेटे के नाम से, दूसरा दूसरे बेटे के नाम से, एक मकान अपने नाम से, एक बिटिया के नाम से, सॉरी मैं ये गलत बोल रहा हूं कि बिटिया के नाम से, आपको लेने दोनों मकान अपने ही नाम से पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने दूसरा मकान दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिया तो लॉ दिक्कत कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखिए सर कि आपको एक मकान बेचना है और आप दो मकान यदि लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन बरकरार रहेगी, मिलेगी। अब तक ये केवल एक मकान बेचकर एक लेने पर था, अब एक मकान बेचकर यदि आपने दो भी ले लिया तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। दो सरकार ने यहां रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ऐसी एग्जम्पशन आपको लाइफ टाइम में एक बार मिलेगी। और दूसरी बात सर, आपके कैपिटल गेन की मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 2 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। यदि इससे ज्यादा का आपको कैपिटल गेन है तो फिर एग्जम्पशन का ये प्रारूप आपको उपलब्ध नहीं होगा। अब एक और बात जो सरकार को अमेंड करनी चाहिए थी, या हो सकता है अंडर देयर विजडम दे हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली, कि एक और सेक्शन है सर 54F, और 54F ये कहता है आपने एक प्लॉट बेचा और एक रेजिडेंशियल हाउस बनाया, तो आपने अगर नेट कंसिडरेशन का रीइन्वेस्टमेंट किया तो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ले जाएगी। सेक्शन 54F में इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं आया। यानी अगर मैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेच करके दो मकान बनाना चाहता हूं मेरे नाम के, तो सर मुझे एग्जम्पशन दो मकान के लिए नहीं मिलेगी, केवल एक के लिए मिलेगी। तो आपको सजग रहना है सर कि आप सेक्शन 54 में एग्जम्पशन लेने जा रहे हैं या 54F में। सो दिस वॉज द लास्ट डिस्कशन ऑन बजट 2019 फ्रॉम माई साइड। फिर भी हो सकता है कोई बात मेरे डिस्कशन में अभी अछूती रही हो तो आप मुझे लिख सकते हैं और मैं अपनी ओर से भरपूर कोशिश करूंगा कि उनका एक सही उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।